वेलकम टू डेकोरेट इटालियन मार्बल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। आज फिर हम अपने चैनल पर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आज न्यू डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन कैसे बनेगा, तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हो, ये हम टाइल्स कटिंग कर रहे हैं। इसको हमने 5 सेंटीमीटर कटिंग करना है और इसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर की है, उसको हमने फुल रखना है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इस डिज़ाइन को हम वॉल या फ्लोर में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको बॉर्डर में, या आप इसको डोरमेट में भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको किचन, बाथरूम या रूम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बॉर्डर में या डोरमेट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप ये मार्बल में या टाइल्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह आप इस डिज़ाइन को एरिया के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि अभी हमने ये ग्रे कलर की टाइल कटिंग की थी, अब इसी तरह हमने ये ब्लैक कलर की टाइल कटिंग करनी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है और जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह हमने ये सभी पीसेस कटिंग किए हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो, इसको हमने 5 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर कटिंग किया है। और सेम इसी तरह हमने ये ब्राउन वाली टाइल भी कटिंग करनी है, जैसे कि हमने ये ब्लैक और ग्रे टाइल कटिंग की है। तो इसी तरह हमने ये ब्राउन टाइल कटिंग करनी है। और इसको हमने अभी जैसे कि हमने आपको दिखाया 5 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर, अभी हम इसमें से 5 सेंटीमीटर कटिंग करेंगे। इसको हमने सेंटर में यूज़ करना है। इसको अभी हमने 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर कटिंग किया है। इसी तरह हमने ये सभी पीसेस कटिंग करने हैं और इसको हमने यूज़ करना है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। इसी तरह हमने ये सभी पीसेस कटिंग करना है। तो दोस्तों आप इसको वॉल या फ्लोर पे यूज़ कर सकते हो और आप अपने फेवरेट कलर में इसको बना सकते हो। और आप इसको किचन वॉल या फ्लोर में या बाथरूम में, आप वॉल या फ्लोर में या डोरमेट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको मार्बल में भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने ब्राउन कलर की टाइल कटिंग की है, अब जैसे कि अभी हमारे पास 30 सेंटीमीटर लंबी टाइल्स कटिंग हमने की है, इसको हमने 5 सेंटीमीटर कटिंग करना है। और उसके बाद हमारे पे जो ब्लैक पीस है ये 25 सेंटीमीटर रह जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर भी हमारा परफेक्टली बन जाएगा। और इसको जो है हमने इसे जो है हमारे जो डिज़ाइन में जो टाइल्स है वो ज़्यादा ख़राब नहीं हो पाएगी, या आप मार्बल में यूज़ करोगे तो वो ख़राब नहीं होगा। तो आप इजीली ये डिज़ाइन बना सकते हो। और हमारी वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये वाइट कलर की टाइल है, इसको हमने 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर कटिंग किया है और इसको हमने सेंटर से हाफ़ करना है। तो इसी तरह दोस्तों अभी हमने जैसे कि हमने इसमें 4 कलर यूज़ किए हैं, तो आप भी अपने फेवरेट 4 कलर आप यूज़ कर सकते हो और आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। तो इजीली आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने ब्लैक टाइल से स्टार्ट करना है और नीचे जो है ये हमने वाइट कलर का पीस लगाया है, जैसे कि हमने आपको बताया सेंटर से हाफ़ करना है। जैसे कि अभी हमने आपको सेंटर से हाफ़ करके दिखाया था, और उसके बाद जो है इसको हमने फिर एक बार और हाफ़ करना है। तो इजीली हम ये डिज़ाइन बना पाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल पर इसी तरह नए नए डिज़ाइन